हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी का मंचूरियन बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए सबसे पहले मैं आधे किलो पत्ता गोभी को लेकर इसे चॉपर की हेल्प से चॉप कर लूँगी। आप इसे कद्दूकस से भी चॉप कर सकते हैं। यहाँ मैं 8 लोगों के लिए मंचूरियन बना रही हूँ, इसलिए मैंने आधा केजी पत्ता गोभी लिया है। अब इसमें 1 चम्मच लाल पिसी मिर्च, 1.5 चम्मच काली पिसी मिर्च, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच सोया सॉस डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/2 छोटी कटोरी कॉर्न स्टार्च और 1 छोटी कटोरी मैदा मिलाकर हम पानी का लेवल चेक करेंगे। अगर इसमें आटे को और मिलाने की ज़रूरत होगी तो हम इसमें आगे और थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अगेन इसमें 1 छोटा बॉल मैदा ऐड किया है और इसे फिर टाइट हैंड से घूमते हुए तैयार करूँगी। ये हमारा डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा अपने हाथ पे तेल लगाऊंगी और छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे हम यहाँ पर। और इसी तरह से हम अपनी बाकी की बॉल्स तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक डीप कढ़ाई लेकर उसमें तेल पहले से गर्म कर लिया है। अब एक बार में हम 7 से 8 बॉल्स डालकर इसे तलेंगे। जैसे हम बॉल्स बनाते जाएंगे, हम तलते जाएंगे। हम एक साथ सारी बॉल्स बना के नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो बॉल्स खुलने लगेंगी, क्योंकि जो पत्ता गोभी है वक्त के साथ और पानी रिलीज करेगा। इसे पहले तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए धीमे आंच पर फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए, क्योंकि इसमें मैदा है तो ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं और हम इन्हें साइड रख देंगे। अब यहाँ पर मैं एक डीप कढ़ाई ले रही हूँ, इसमें हम एक कुकिंग स्पून ऑयल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 9 से 10 कलियां लहसुन की काट लेंगे बारीक बारीक और डाल देंगे और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब यहाँ पे मैं 3 बड़ी प्याज को मैंने बारीक काट लिया और इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये मोटी वाली मिर्च को मैंने लंबा लंबा काट लिया, उसे भी ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं 1 छोटा बाउल ये जो हरी प्याज आती है उसके आगे का वाइट पार्ट होता है उसे बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है, वो ऐड करी। अब इन सारी सब्जियों को हमें 102 मिनट पकाना है। हमने इसे कोई ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये एक तरीके से मुरझा जाए। मैं 1/2 स्पून नमक डालूंगी। नमक ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि हमें इसमें सोया सॉस ऐड करना है और उसमें भी नमक होता है। अब इसे हम 15 सेकंड तक के लिए चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। 1/2 छोटी कटोरी चिली सॉस डालकर इसे जल्दी से मिक्स करेंगे। 3 टीस्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे और 5 से 6 टीस्पून टमाटो सॉस। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच चिली पाउडर डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें 3 बाउल पानी डाल रही हूँ और उसके बाद ये 1 छोटा बाउल हरी प्याज डाल रही हूँ। अब इन्हें भी चम्मच चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे और 1 कटोरी कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे चम्मच चलाते हुए। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च को 1 बाउल पानी में घोल लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। तो चम्मच चलाते हुए डालेंगे, आप देखेंगे जैसे ही ये पकती जाएगी ये थिक होती जाएगी। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हमें 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जब हम इसे खाएं तो हमें बिल्कुल भी कॉर्न स्टार्च का टेस्ट फील ना हो। हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। जो हमने बॉल्स बना कर रखी थी वो ऐड करेंगे। सारी बॉल्स को चम्मच की हेल्प से अंदर डिप कर देंगे। अब इसमें 3 चम्मच हम विनेगर ऐड करेंगे। इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। आप देखेंगे कि हमारी जो बॉल्स का साइज था वो बड़ा हो गया है। अब हमने इसमें ये थोड़ा सा ग्रीन अनियन को स्प्रिंकल कर देंगे और हमारा पत्ता गोभी मंचूरियन तैयार है। इसे आप फ्राई राइस और नूडल्स के साथ खा सकते हैं और इसे सूप की तरह भी खाया जा सकता है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।